अगली खबर आ रही है सिंगरौली जिले से, जहां ट्रैक्टर और छोटे वाहनों के जरिए नदी नालों से अवैध रेत का खेल पूरी रात जारी रहता है और तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रैक्टर ने आखिरकार एक युवक की जान ले ली। आपको बता दें, नीरज दुबे जो रात में बाइक से जा रहे थे, ट्रैक्टर ने रॉड डाला, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सुबह होते ही परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने बीजपुर रोड पर जाम लगा दिया। घटना के बाद से ट्रैक्टर फरार है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। शहर के प्रतिष्ठित मिश्रा नर्सिंग होम के स्टाफ नीरज दुबे की मौत की खबर से लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। परिचितों ग्रामीणों ने बीजपुर रोड में जाम लगा दिया और इस घटना के जिम्मेदारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जाम के बाद भाजपा नेता चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता अमित द्विवेदी, भास्कर मिश्रा धरने पर बैठ गए। मौके पर महापौर रानी अग्रवाल भी मौजूद रही। कई दलों के नेताओं की भीड़ जुटी रही। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों की समझाइश के बाद जाम खुला, लेकिन शहर में अवैध रूप से ट्रैक्टरों के जरिए बालू रेत माफियाओं के रात भर धमा चौकड़ी मचाने से आम जनता में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश है। उन्होंने किया सुनील, आपका पड़ोसी मजबूर करके समझौता करते हैं। समझौता करते सुनील, जी जी आपका पड़ोसी हो सकता है कि वो व्यक्ति कौन सा था जिसका ट्रैक्टर था? श्यामलाल साहब आपका पड़ोसी है क्या मेरे भाई? मैं वीडियो नहीं बनाऊं तो क्या करूं बताओ? ये व्यक्ति आवाज उठाया, जेल गया। कौन कुत्ता है जो बोल रहा है कि वीडियो नहीं बनाओ? उसके घर का कोई मरेगा साला तो बोलेगा यहाँ के? अरे आप आओ। कौन कुत्ता बोल रहा है कि वीडियो नहीं बनाओ? वही चीज बोल रहा हूँ ना, आके बोलो। इंसान है वो कि हैवान है साला? ब्लॉक कर दिया गया, शिकायत बिना जबरन बंद कर दिया। यहाँ तक इनकी स्थितियाँ है, आज जान चली ही गई अपने परिवार के। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।